ऊना के चुरुरू टकारला व धंधड़ी में बुधवार शाम तेज बारिश और तूफान ने खूब तबाही मचाई। इससे किसानों, दुकानदारों व वाहन चालकों को व्यापक नुकसान हुआ है। कई किसानों की मेहनत मटिया मेट हो गई और भारी बारिश के चलते खेत तालाब बन गए। कई सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। वहीं घरों व दुकानों पर पेड़ गिरने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान बड़े ही में विजय भरवाल की दुकान पर सफेदे का पेड़ गिर गया, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। उधर दियाड़ा पंचायत के पूर्व प्रधान अर्जुन ने बताया कि किसानों की फसलों को बारिश से नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। उधर व्यापार मंडल बड़ूही के प्रधान नरेंद्र शर्मा ने कहा कि भारी भरकम पेड़ों के चलते बाजार की कई दुकानों को खतरा बना हुआ है। इस बारे में कई बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते एक व्यापारी को नुकसान हुआ है। मैं नरेंद्र शर्मा, प्रधान व्यापार मंडल बड़ूही। साड़ियाँ जिन्हें भी इतने दुकाना है सारिया के कंडे सफेदे है, और कई बार विभाग ने इन्होंने सफेदे कटवाने बारे साडे दुकानदार लिख के दे चुके हैं, और पता नहीं साडा प्रशासन किसी बड़े अनहोनी का इंतजार कर रहा, अनहोनी का इंतजार कर रहे, इस करके ये सफेदे नहीं कटवाए जा रहे। असं ये गल समझते हैं कि वृक्ष जरूर होने चाहिए है, पर जिते जिते दुकाना इन्ह वृक्षों को कटाना चाहिए, होर जिते वृक्ष सड़क च है वो वृक्ष जिदा मर्जी रहन उन्हों का सानू फायदा ही है। पर जिदा ये वृक्ष विजय भरवाल जी की दुकान पर डिगया है, इदा बाकी दुकाना पर भी इदा के सफेदे डिगण का बहुत ज़्यादा है नुकसान हो सकता है। इस बारे मैंने DFO ऊना से भी द्वारा प्रार्थना पत्र लिखित प्रार्थना पत्र में एक विनती करी थी कि मेरी दुकान पर दो सफेदे जो कभी भी गिर सकते हैं, परंतु 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप रात इतनी भयंकर तूफान आया जी, और मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, और जान माल का भी मतलब ईश्वर की दया से सुरक्षित रह गए हम, नहीं तो कुछ भी बड़ी घटना घट सकती थी। और मैं प्रशासन से पर्सनली तौर में कई बार मिला हूँ, DFO ऊना को मैंने बार बार विनती करी है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से नीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।